असलम स्टूडेंट uh, हमारा uh, आज का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमने स्टार्ट करना है लैब का एग्ज़ाम uh, uh, तक हम इनशाला कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट जो दो हमारे इसके बाद प्रैक्टिकल रह गए हैं तो हमने जो आज एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में पढ़ना है uh, उसकी एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन से पहले और उसका जो सर्कट uh, एनालिसिस है उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सर्कट है उसकी थेरी है एज जैसे कि हम पहले भी करते आए हैं जो भी प्रैक्टिकल है उससे रेलिवेंट हम थेरी जो है वो पहले पढ़ते हैं उसके बाद फिर हम उस प्रैक्टिकल के सर्कट डायग्राम को समझते हैं सर्कट को कनेक्शंस को समझते हैं और उसके बाद उसकी रीडिंग कैसे लेंगे आ, उस सर्कट में और फिर फाइनली उसके जो है रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं ठीक है तो इसी तरह से हमने अब जो आगे प्रैक्टिकल है हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो हमारा लो पास एंड हाई पास फिल्टर है बैंड पास फिल्टर है तो वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले हम फिल्टर्स से रेलिवेंट कुछ थेरी है वो डिस्कस करेंगे कि फ़िल्टर होते क्या हैं और, और किस पर्पज़ के लिए ये, ये यूज़ हो रहे हैं और फिर हम जो कितनी टाइप्स के ये फ़िल्टर होते हैं ठीक है और उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल है लो पास फिल्टर उसकी सर्कट एनालिसिस है आ, हाई पास फिल्टर के बारे में इनपुट है आउटपुट है उनकी मैथमेटिकल आ, कुछ कैलकुलेशंस और स्टेप्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए तो आ, बेसिकली फ़िल्टर होता क्या है फिल्टर के वर्ड से ही हमें कुछ समझ आता है थोड़ा बहुत जिस जैसे हम चीज़ों को फिल्टर करने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं कि हम कुछ फिल्टर करना चाह रहे हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपका फिल्टर है ये एक सर्कट होता है जिसको हम कहते हैं कि ये सर्कट का क्या काम है ये कुछ सर्टन या इम्पोर्टेंट फ्रिक्वेंसीज को या सिग्नल्स को पास करने के लिए या एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होता है और जो हमारे अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं उनको अटेनोवेट करने के लिए या रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो फिल्टर होते हैं ये अपने आपके सिग्नल्स को आ, की शेप को बेहतर करने के लिए भी होते हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए भी ये फिल्टर जो है वो यूज़ होते हैं ठीक है या सिग्नल को नॉइज फ्री बनाने के लिए या उसे स्मूथ बनाने के लिए फिल्टर जो है वो हम यूज़ करते हैं ठीक है तो फ़िल्टर के ज़रिए हम जो फ़ोकस्ड फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज़ हम चाहते हैं या जो सिग्नल्स हम पास करवाना चाह रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, उनको हम उसमें से पास करवा सकते हैं ठीक है ठीके? और जो इरेलीवेंट है फ्रीक्वेंसीज़ या जो सिग्नल जो है वो हमें रिक्वायर्ड uh, नहीं है वो सिग्नल जो है वो हम वहाँ से रिमूव करवा सकते हैं ठीक है ठीके? तो जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे हमारे पास जो फ़िल्टर हैं जो हम डिस्कस करेंगे जनरली हम फिल्टर के फ़ोर टाइप्स जो हैं उसको उससे नॉन उसमें हमारे पास लो पास फिल्टर है हाई पास फिल्टर है फिर बैंड पास फिल्टर है और उसके बाद नोच फिल्टर है नोच फिल्टर जो है उसका एक और नाम है बैंड रिजेक्ट और बैंड स्टॉप फिल्टर भी इसको हम कहते हैं ठीक है थीके? लो uh, पास और हाई पास जो है ये लो पास और हाई पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है जिसको हम लो या हाई बोल रहे हैं बल्कि लो और हाई का जो वर्ड है वो हम एक रेफरेंस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बोलेंगे जिसको हम यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कोई फ्रीक्वेंसी लो या हाई है तो उस बेस पे हमने लो और हाई पास फिल्टर के नेम लो पास फिल्टर या हाई पास फ़िल्टर रखे हुए हैं ठीक है तो एक ओवरव्यू के लिए एक जनरल सी डायग्राम है जिसे हम ब्लॉक डायग्राम भी बोल रहे हैं अः इसे हम डिस्कस करते हैं यहां पे आपको नजर आ रहा है सबसे पहले डायग्राम में ये हमारे पास एक ओरिजिनल सिग्नल है ये कोई कम्प्लेक्स किस्म का सिग्नल है इसको हम कम्प्लेक्स सिग्नल इसलिए कह सकते हैं कि ये एक मिक्सचर है सिग्नल्स का जिसमें डिज़ायर्ड और अनडिज़ायर्ड दोनों फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं इसमें लो फ्रीक्वेंसीज भी होंगी हाई फ्रीक्वेंसीज भी होंगी इंटरमीडियट फ्रीक्वेंसीज भी इसमें लाइक रही होंगी ठीक है तो जो इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो किन फिल्टर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और उसका आउटपुट जो है वो किस तरह से आएगा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इनपुट लो पास फिल्टर के लिए ये हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी है ठीक है uh, इसको हम लो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ साइकल्स हैं वो कम नज़र आ रहे हैं ठीक है uh, उसके बाद ये सेकंड है जो आपकी इसको हम हाई uh, फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं ठीक है ये लेकिन ये लेस uh, जो एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसीज हैं ये दूसरी फ्रिक्वेंसीज भी तो ये दोनों जो है वो हम बैंड पास फिल्टर में और नोच फिल्टर में दोनों को यूज़ करते हैं ठीक है तो हम क्या इनपुट दे रहे हैं और जो रेलिवेंट आपका फिल्टर है वो हमें क्या आउटपुट दे रहा है ये भी इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो हमें शो हो रहा है ठीक है तो इसी को हमने फिर जब लो पास फिल्टर को या जिस भी फिल्टर को हम डिस्कस करेंगे हम उसका इनपुट देखेंगे और आउटपुट देखेंगे और उसके बाद फिर हम उसका जो एक ग्राफ है जो ग्राफिकल उसका रिजल्ट आएगा वो हम देखेंगे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इसमें एक आपको पास्ट वर्ड लिखा नज़र आ रहा है और एक ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है तो इसमें वो नज़र आ रहा है कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉइंट है यहाँ से वो फ्रीक्वेंसीज जो है वो पास हुई हैं और कौन सी जो है वो किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसीज जो है वो ब्लॉकड हुई हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पे आप, आप को नज़र आ रहा है ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए है यानी कि जो लो पास फिल्टर है ये आपका हाई पास है और ये आपका बैंड पास है अब यहाँ पे आपको देखिए पूरा बैंड जो है वो नज़र आएगा जो कि पास कर सकता है नोच में कौन सा बैंड रिजेक्ट होगा या पास नहीं कर सकेगा तो ये एक ब्लॉक सी डायग्राम है कि इसमें सिग्नल आपने कैसा देना है आउटपुट आपके पास कैसी आएगी ठीक है और उसका ग्राफिकल एनालिसिस जो है वो साथ में आपको नजर आ रहा है ठीक है जी फिल्टर्स को जनरली अगर हम डिवाइड करें तो फिल्टर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं ठीक है एक को हम एक्टिव फिल्टर्स बोलते हैं और जो सेकेंड टाइप है वो पैसिव फिल्टर्स की है पैसिव एंड एक्टिव जो फिल्टर्स हैं ये इनका नाम दिया गया है इनमें जो कंपोनेंट्स हम यूज करेंगे उसके हिसाब से ठीक है पैसिव फिल्टर्स जो होते हैं उनमें जो कंपोनेंट होते हैं वो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं लाइक रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स ठीक है जबकि जो एक्टिव फिल्टर्स होते हैं उसमें उन हम उनमें कुछ ना कुछ एक्टिव कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जैसे ओपी यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स होते हैं रेजिस्टर्स और कैपेसिटर के साथ साथ लेकिन जो एक्टिव होते हैं आपके फिल्टर्स उसमें हम इंडक्टर जो है उनको इंक्लूड नहीं करते तो कंपोनेंट की बेस पे आप जो है वो पैसिव और एक्टिव फिल्टर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम जो जिस टाइप का जो हम हमारे एक्सपेरिमेंट में जो फिल्टर यूज हो रहे हैं लो पास हाई पास ये बेसिकली पैसिव फिल्टर्स हैं ठीक है पैसिव फिल्टर्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये मोर रिस्पॉन्सिव uh, होते हैं इनका रिस्पॉन्स अच्छा होता है उन फ्रीक्वेंसीज के लिए जिनकी वैल्यू होती है हंड्रेड हर्ड से थ्री हंड्रेड मेगा हर्ड्स तक तो हम कह सकते हैं तकरीबन ये हायर फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा है कि हायर फ्रीक्वेंसीज पे जो पैसिव फिल्टर्स हैं वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं ठीक है तो ये जो हमने लो और जो हम हाई की बात कर रहे हैं इसमें यानी कि जो हमने लोअर रेंज यहाँ पे रेंज डिसाइड किया है हंड्रेड हर्ड्स या हमने जो हाई रेंज जो डिसाइड की है थ्री हंड्रेड जो है वो हमने इस हिसाब से जो डिफाइन की है कि जो आप यूज़ कर रहे हैं इसमें कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस के हिसाब से उसकी जो कितनी उसकी रिएक्टेंसेस के हिसाब से हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो डिसाइड करते हैं ठीक है तो एक्टिव फिल्टर्स होते हैं इनके बारे में हम ये कहते हैं कि ये डील करते हैं लो फ्रीक्वेंसीज़ को ठीक है लो फ्रीक्वेंसीज़ पे हम इनका रिस्पॉन्स देते हैं और ये जो एक्टिव फिल्टर्स होते हैं इनका ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं इनसे हमें वोल्टेज गेन मिलता है जबकि पैसिव जो फिल्टर्स हैं उनसे हमें ये नहीं मिल रहा ठीक है तो अभी यहाँ पे हम कुछ टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो कि हमने यूज़ करनी है जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तब भी हमने यूज़ करनी है तो अभी मैंने ऊपर भी जो आपको डायग्राम दिखाई थी वो भी रिस्पॉन्स कर्व थी यानी कि वो एक ब्लॉक डायग्राम थी ठीक है ब्लॉक डायग्राम थी लो पास की हाई पास की बैंड पास की और उसकी जो आउटपुट ग्राफ था ये भी एक हमारे पास रिस्पॉन्स कर्व हैं इनको हम रिस्पॉन्स कर्व बोलते हैं यानी कि जब आप इनपुट सिग्नल देते हैं तो जो आपके पास आउटपुट आई है वो आपने दिखाई है उसके बाद ओवरऑल उस आपके जो कैपेसिटर जो आपका फिल्टर है उसका रिस्पॉन्स कैसा है ठीक है अगेन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है लिखा हुआ पास बैंड और स्टॉप बैंड ठीक है पास बैंड और स्टॉप बैंड यहाँ पे आपको अटेनोवेशन नजर आ रही है मीन होता है रिडक्शन जो आपके सिग्नल में रिडक्शन है और यहाँ पे डीबी जो है वो डेसिबल को यू, 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 यूज के लिए यूज हो रहा है ठीक है जो के रिडक्शन uh, को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है अच्छा इसमें जो एफ सी है वो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और आप जो आपकी एफ एस है जिसे हम स्टॉप एंड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं या स्टॉप बैंड भी इसको बोलते हैं ठीक है आ, अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये एक ख़ास पॉइंट इस पॉइंट पे हमने एफ़ सी लिखा हुआ है यानी कि हम जो भी हमारा फिल्टर हम यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल आप लो पास जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो लो पास के अंदर हम जो आर और सी यूज कर रहे हैं यानी जो और कैपेसिटर हम यूज़ कर रहे हैं उसको यूज करके हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे और हमें पता है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला एफ सी इज इक्ल टू वन ओवर टू आर सी होता है ठीक है तो वहां से हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट्स पे हमने जिस पॉइंट तक वो मैक्सिमम वैल्यू वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो वो वैल्यू है जहाँ तक आपका जो फ्रीक्वेंसीज हैं जिससे नीचे नीचे जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो लो पास में आ, जो है वो पास हो जाएंगी लो पास फिल्टर से वो फ़्लो कर जाएंगी या वो सिग्नल पास कर जाएंगे और उसके बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगी या वो टेनोएट हो जाएंगी या वो उसमें से पास नहीं कर सकेंगी तो ये वो पॉइंट होगा एफ सी वो पॉइंट इससे पीछे वाली जितनी लो फ्रीक्वेंसीज हैं वो उसको रिस्पॉन्स करेगा आपका फिल्टर लो पास फिल्टर और जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं उसको वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा ठीक है इसलिए हम इस पॉइंट के बाद इस सेंट्रल लाइन के बाद जिसको आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉइंट की लाइन बना रहे हैं इसके बाद जो बैंड होगा फ्रीक्वेंसीज का उसको हम स्टॉप बैंड कहते हैं और जो ये वाला बैंड है इसको हम पास बैंड कहते हैं ठीक है अच्छा यहाँ पे आगे देखें हाई पास में तो हाई पास में यहाँ पे ये यह जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का पॉइंट है इससे जो पहले वाली जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं वो स्टॉप बैंड में आएंगी और जो इसके बाद हाई फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको वो पास करने देगा वो उसके पास बैंड में आएंगी ठीक है इसी तरह से जो आपका बैंड पास है अब यहाँ पे देखें एक ही पॉइंट था जिसे आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं यहाँ पे भी वो एक ही पॉइंट है लेकिन जब आप बैंड की या नोच बैंड पास या नोच फिल्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो लिमिट्स uh, के दरमियान में फ्रीक्वेंसी बैंड डिफाइन करना होता है तो इसलिए यहाँ पे ये एफ़ सी की बजाय हम दो एफ़ सी तो नहीं लिख सकते इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक पॉइंट को लोअर लिमिट को एफ़ वन से रिप्रेजेंट करेंगे और अपर uh, लिमिट को एफ़ टू से तो ये बेसिकली दोनों ही आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं ठीक है तो अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में ये एक सेंट जो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का सेंट्रल पॉइंट है उसको हम सेंट्रल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ठीक है और यहाँ पे ये हमारा पूरा बैंड इस एफ वन और एफ टू की वजह से हमारा जो बैंड जो है वो डिफाइन होगा वो स्पेशल बैंड जो इन दो फ्रीक्वेंसीज जो इन लिमिट्स के दरमियान में डिफाइन होगा वो हमारा पास बैंड होगा जो कि उसमें से पास कर सकेगा और उससे अवे यानी कि उससे बिफोर और आफ्टर जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो हमारा स्टॉप बैंड कहलाएगा यानी कि वो रिजेक्टेड या अटेनुटेड सिग्नल्स होंगे नोच बैंड को हम इसका उलट बैंड बोलते हैं बैंड पास का इसमें हमने एक स्पेशली वो बैंड डिफाइन करना होता है जिसको रोकना होता है ये नैरो बैंड होता है एज कम्पेयर टू द बैंड पास ठीक है तो जो आपने जिनको स्टॉप करना होता है आप उनकी लिमिट डिफाइन करते हैं कि ये वाला जो बैंड है फ्रीक्वेंसीज का ये इसमें से पास नहीं करेगा उस रीजन के अलावा जो फ्रीक्वेंसीज होंगी बिफोर एंड आफ्टर दैट बैंड वो उस फिल्टर uh, में से पास कर सकेंगे ठीक है जी तो ये फोर टाइप्स ऑफ आपके जो फिल्टर्स हैं उनकी एक जनरल सी हम डेफिनेशन के तौर पे ये चीजें डिफाइन कर रहे हैं तो ये जो मैं टर्म्स अभी बोल रही थी इनको हम थोड़ा थ्रेटिकली भी देख लेते हैं ठीक है इनको हम बोलते हैं ये जो मैंने अभी आपके साथ ग्राफ डिस्कस किए हैं इनको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स कर्व्स ठीक है इनको हम क्या हम बोलते हैं रिस्पॉन्स कर्व्स और ये रिस्पॉन्स कर्व जो है वो किस लिए यूज़ होती हैं वो हमें फिल्टर का बिहेवियर बताती हैं कि वो किस तरह का बिहेव रहा है वो क्या रिस्पॉन्स देता है ठीक है तो सिंपली जो रिस्पॉन्स कर्व होती है ये ग्राफ होता है ठीक है और ग्राफ किसके दरमियान होता है अटेनुएशन रेशो जिसको आपने डीबी भी बोला है और वो रेशियो किसकी है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट यानी आपने कितना इनपुट दिया तो आपके पास अटेनुएट होने के बाद या रिड्यूस होने के बाद कितना आउटपुट वोल्टेज आया ठीक है तो अटैनुएशन रेशियो और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ये आपका ग्राफ होता है अटेनुएशन जो है इसको यहाँ पे हम डेसीबल यानी कि डीबी में रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है और फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम एक्स एक्सिस पे ड्रा करते हैं फ्रीक्वेंसीज आपको पता है हमारे पास दो तरह की होती हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसको आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके यूनिट्स जो होते हैं वो रेडियंस पर सेकंड होते हैं और दूसरी जो आपके पास सिंपली कॉमनली यूज फ्रिक्वेंसी जिसको आप हार्ड्स में यानी कि साइकल्स पर सेकेंड में जो है वो डिस्कस करते हैं और ये दोनों फ्रीकुंसीज जो हैं आपकी ये आपस में लिंक्ड है ओमेगाजिकल टू टू पाई एफ ठीक है तो रिस्पॉन्स कर्व जो है इनको हम प्लॉट कर सकते हैं एक प्लॉट के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में ये आपके पास या लीनियर लीनियर ग्राफ बनेगा या लॉग और लीनियर टर्म के दरमियान बन सकता है लॉग लॉग फॉर्म के दरम्यान में ठीक है तो मोस्ट कॉमनली हम क्या करते हैं डेसीबल्स को एक्सिस पे लेते हैं और जो लॉगरिथमिक फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो अभी जितनी टर्म्स हमने बोली हैं यहाँ पे हम उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं तो सबसे पहले अभी मैं बात करके हटी हूँ टेनोएशन की या डेसिबल फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हैं यहाँ पे अभी आपने जो मैंने आपको रिस्पॉन्स कर्व दिखाई है आप सब में देखें कि एक्चुअली जहां से ये पॉइंट डिफाइन हो रहा होता है जहां से ये कर्व स्टार्ट हो रही है मैक्सिमम यहाँ पे आप इसको डी बी बोलेंगे इसकी वैल्यू को डी बी बोलेंगे ठीक है तो उसके बाद जिस पॉइंट पे आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही है उस पॉइंट को जब हम वाई एक्सिस यानी डी बी एक्सिस से मैच करेंगे तो वो पॉइंट आपका थ्री माइनस थ्री डी बी होगा ठीक है यानी कि आपका कितना जो है वो आ, लेवल या कितना जो है वो आपका अटेनशन जो है वो सिग्नल का हुआ है ठीक है तो अभी यहाँ पे हम इसकी मजीद एप्लीकेशन देखते हैं uh, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं ये माइनस थ्री डी बी है इस को हम कहते हैं माइनस थ्री डी बी ठीक है और ये हमें क्या बताती है ये हमें बताती है कि इनपुट जो आपने फ्रीक्वेंसी दी है ठीक है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास आउटपुट सिग्नल आया है वो ड्रॉप हुआ है माइनस थ्री डी यानी आपका जो आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल के रेफरेंस से अगर उसको देखें तो वो माइनस थ्री डी जो है वो अटेनुएट हुआ है या ड्रॉप हुआ है ठीक है इस थ्री डी को हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के तौर पे लेते हैं यानी कि हम मैंने आपको अभी बताया कि जहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का पॉइंट आपका आएगा वहाँ से हम इस लाइन को ड्रा करते हैं तो इसलिए हम इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और हम ये कहते हैं कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि कैसे हमें मिलती है इट इज द फ्रीक्वेंसी जो कि हमें आउटपुट पर मिलती है इसमें जो आउटपुट पावर है वो रिड्यूस्ड हो जाती है बाय वन हाफ ठीक है ये वो रिक्वे फ्रिक्वेंसी है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे जो आपकी आउटपुट पावर है वो वन हाफ रिड्यूस हो जाती है ठीक है तो दैट इज़ वाई कि हम इस फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं ठीक है थीके? और हम ये भी कहते हैं अगर आप पावर के लिए बात करेंगे तो हम ये कहते हैं कि जिसमें आउटपुट पावर जो है वो वन हाफ हो जाती है और अगर हम वोल्टेज के हिसाब से बात करें तो हम कहते हैं ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे जो आउटपुट वोल्टेज है वो तो किसके इक्वल होगा वो होगा इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय ओवर टू अंडर रूट ठीक है जो भी आपका इनपुट वोल्टेज है डिवाइडेड बाय अंडर रूट ठीक है तो हमारे पास जो लो पास है और हाई पास फिल्टर्स हैं उसके लिए एक ही थ्री डीबी फ्रीक्वेंसी है जो मैंने आपको एक ही लाइन बताई जिसको आपने एफ सी से रिप्रेजेंट किया लेकिन जहाँ पे आप बैंड पास और नोच फिल्टर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे थ्री डी बी फ्रिक्वेंसी हमारे पास दो हैं जिसको आपने अभी शो करवाया एफ वन और एफ टू के साथ उसके बाद सेंट्रल फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई थी जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है ये हम बैंड पास में और नोच फिल्टर में यूज़ करते हैं ये सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है जो कि अपर और लोअर जो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं उसके दरमियान में एग्जिस्ट करती है जिसको आप एफ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट आपका है बैंड विथ बैंड वर्थ क्या होता है बैंड वर्थ जो है ये विड्थ होती है पास बैंड की थ किसकी व्यर्थ होती है जो बैंड आपका विश, उसमें पास करेगा आपने अभी देखा है कि जो आपका बैंड पास फिल्टर है या नोज फिल्टर है उन दोनों में एक स्पेसिफिक बैंड है जो पास कर सकता है और एक जो है जो स्टॉप होता है तो जो पास बैंड है जो पास कर सकता है उसकी व्यर्थ को हम बैंड वर्थ कहते हैं ठीक है थीके? तो असल में ये पास बैंड है क्या ये बैंड है फ्रीक्वेंसीज का जिसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज शामिल हैं ठीक है और जब ये हम ये वाला बैंड पास बैंड पास करता है किसी फिल्टर सर्किट में से तो इसमें अटैनोशन ना होने के बराबर है ठीक है इसमें कोई ऐसी सिग्निफिकेंट अटैनोशन या रिडक्शन जो है वो नहीं होती जब ये बैंड जो है वो इनपुट से आ, आप इनपुट के तौर पे देते हैं और फिल्टर की आउटपुट पे आपको जब ये मिलता है तो इसमें कोई ख़ास अटैनोएशन नहीं होती ठीक है तो उसके बार्कस हमारे पास दूसरा बैंड है स्टॉप बैंड ठीक है ये वो बैंड है ये वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो फ्रीक्वेंसीज का बैंड होता है जहाँ पे आपकी जो अटैनशन uh, की वैल्यू आपको एक स्पेसिफाइड और डिफाइंड वैल्यू मिलती है कि जिस फ्रीक्वेंसीज पे के इन फ्रीक्वेंसीज की अटैनशन इस कदर हुई है यानी कि इस uh, आपको एक स्पेसिफाइड अटैनशन मिलेगी या एक आपको मैक्सिमम अटैनशन मिलेगी उसका सिग्नल वहाँ से मैक्सिमम uh, रिड्यूस होगा ठीक है तो लो पास और हाई पास जो है उसमें तो आप एक पॉइंट बता देते हैं और उस पॉइंट से अबव या बिलो आप बता देते हैं कि आपका स्टॉप बैंड है ठीक है यानी कि यहाँ से यहाँ तक फ्रीक्वेंसी इस मीन पॉइंट से आगे या पीछे जो फ्रीक्वेंसीज है वो पास नहीं करेंगी ठीक है लेकिन जो बैंड पास है या आपके नोज फिल्टर्स हैं ठीक है उनमें दो जो है वो आपके स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करती हैं ठीक है थीके? क्योंकि अभी आपने इसको बताया कि आपने फ्रीकुन्सी एफ वन और एफ टू डिफाइन की है तो उन दो फ्रीक्वेंसीज की वजह से आपके पास दो स्टॉप बैंड जो है वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ठीक है यहाँ मैं आपको दिखा भी देती हूँ दोबारा से उस डायग्राम में ये यह देखें यहाँ पे आपका ये एक स्टॉप बैंड है और एक पास बैंड है यहाँ पे भी आपका एक स्टॉप बैंड है और ये एक आपका पास बैंड है लेकिन बैंड पास जो है यहाँ पे आपका पास बैंड एक है लेकिन यहाँ पे आपके पास दो जो है वो स्टॉप बैंड है बैंड पास के केस में जबकि नोज के केस में आपके पास दो पास बैंड होते हैं और एक स्टॉप बैंड होता है ठीक है जी नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है जो जो आप क्वांटिटी यूज करते हैं वो क्वालिटी फैक्टर है क्वालिटी फैक्टर आपको क्या बताता है वो जो आपका जो भी आप फिल्टर डिस्कस कर रहे हैं उसकी डैम्पिंग क्रैक्टिस्टिक के बारे में बताता है डैम्पिंग को आपके बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई सिस्टम जो है उसमें ऑसिलेशन uh, होती हैं तो वो ऑसिलेशन विद द टाइम पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेशन जो है वो कम होती जाती हैं और फिर ऑसिलेशन एकदम रुक भी जाती हैं तो ये हम कह रहे होते हैं कि वो ऑसिशंस डैम्प कर रही हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे वो डैम्पिंग का uh, हम इस तरह से लगाते हैं जो डैम्पिंग है uh, वो uh, एक किस्म का जो सिस्टम्स का रिस्पॉन्स है यहाँ पे आपकी जो ऑसिलेशंस हो रही हैं जो आपका सिस्टम में ऑसिलेशन्स हैं जो सिग्नल्स की या जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं उसमें डैम्पिंग uh, के बारे में uh, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है और जो आपका फ्रीक्वेंसी डिमेन है जितना यानी कि आप इसकी फैक्टर की बेस पे आप क्या डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो क्यू है वो क्या बताएगा आपको कि जो आपकी हाई वैल्यू ऑफ़ क्यू है वो आपको बताएगी कि आपका जो पीक है पीक वैल्यू के बारे में आपको पता चलेगा कि क्यू की वैल्यू आपको मैक्सिमम और मिनिमम पीक जो है वो आ, सिस्टम की जो भी बिहेवियर है या जो भी रिस्पांस कर्व आपके पास आती है उसमें जो पीक वैल्यू है पॉजिटिव या नेगेटिव उसके बारे में आपको बताएगा ठीक है अच्छा जी इसके बाद ये सारी बेसिक जनरल जनरल बातें थी आपके पास कौन कौन से फिल्टर होते हैं जनरली उनकी कितनी कैटेगरीज हैं फिर आपने उसकी फोर टाइप्स के बारे में पढ़ा है फिर उसमें जो जो टर्म्स यूज हो रही हैं वो आपने देखी है ठीक है अब हम मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम जो पढ़ेंगे फिल्टर्स वो आपके आरसी फिल्टर्स हैं लो पास आर यानी कि उसके मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो रजिस्टर और कैपेसिटर है इसके हम उनको पैसिव जो है वो फिल्टर बोलते हैं ठीक है हम इंडक्टर नहीं वो ले रहे यानी कि हम आर सी फिल्टर डिस्कस करेंगे एल सी फिल्टर जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे ठीक है तो इसमें हमने जो सबसे पहले डिस्कस करना है वो हमारा लो पास फिल्टर है ठीक है तो अभी मैं इसकी जनरल जो है वो यहीं पे क्लोज करती हूँ डिस्कशन को तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम पैसिव लो पास फिल्टर से स्टार्ट करेंगे ठीक है तो ये आपके फिल्टर के तीन प्रैक्टिकल्स हैं जो कि हमने करना है तो सबसे पहले इसमें लो पास फ़िल्टर है उसके बाद फिर आपका हाई पास फिल्टर करेंगे उसकी थेरी डिस्कस करेंगे फिर उसकी परफॉर्मेंस फिर आपका बैंड पास फिल्टर है उसकी हम थेरी डिस्कस करेंगे और वो परफॉर्म करेंगे ठीक है तो बेसिकली तो इनकी वर्किंग जो है वो सर्कल डायग्राम डिफरेंट होगी वर्किंग इनकी और सरकल डायग्राम इनमें चीज़ें वही कॉमन है जो हमने आज डिस्कस कर ली हैं तो यही टर्म नॉलेज और यही चीज़ें जो है वो बाकी दोनों में भी डिस्कस होंगी तो नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लो पास फिल्टर के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे